बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अशरफ इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। बेटा जैसे कि आपको मालूम है आज 22 डेट है, हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर नंबर 5 में जो आज हमारी असाइनमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5.7 है। इस क्वेश्चन नंबर 5.7 के आपके पास चार पार्ट्स हैं, एडिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। इस क्वेश्चन में ये है कि हमने इसकी एग्जांपल भी बतानी है और उनके डेफिनेशन के बारे में भी आपको ज्ञान करना है। एडिशन रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि केमिकली कुछ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, टू आर मोर देन टू एटम, जब केमिकली कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन ये भी एक गैस है, लेकिन जब ये केमिकली रिएक्ट करती है तो आपको कौन मालूम है, वाटर बनाएगी H2O। जनरली वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है H2। हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, यहां हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है एडिशन रिएक्शन। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि केमिकली जो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड सेपरेट अप हो जाता है टू आर मोर इस कंपोनेंट्स के अंदर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में ये तब्दील हो जाता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एडिशन रिएक्शन में। आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन में टू आर मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। इसी तरह इसके ऑपोजिट जो है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन का मतलब स्प्लिट अप होना, टुकड़ों में तकसीम हो जाना। इसकी जो सबसे मशहूर एग्जांपल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट आप अपने घरों के अंदर देखते हैं, संगे मरमर, चेस, मार्बल, ये जो रॉक्स होती हैं इनको भी हम कैल्शियम कार्बोनेट ही कहते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट अप हो जाती है, टूट जाती है, डीकंपोजिशन में। अब दो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। आप देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे हीट गिवन आउट होती है, हरारत खारिज हो रही होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। छोटी सी जनरल सी एग्जांपल आपको बताऊं, मैच स्टिक्स है, जब आप एक मैच स्टिक को जलाते हैं तो उसके ऊपर एक मैच स्टिक पर एक केमिकल लगा हुआ होता है, पहले तो वो केमिकल बर्न होता है, उसके बाद उस मैच स्टिक के साथ जो स्टिक लगी हुई होती है, वुड स्टिक लगी हुई होती है, वो भी बर्न होती है। ये इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, बर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब मैच स्टिक को आप जलाते हैं या कोर को आप बर्न करते हैं तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, उसमें लाजमी बात है हीट प्रोड्यूस होती है। हीट के अलावा अदर कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं। थोड़ा सा आपको यहां पर एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो गिवन आउट होती है। हीट क्या होती है, गिवन आउट। इसकी एक्सोथर्मिक की जो ज्यादातर एग्जांपल है उसमें हमारे पास बर्निंग की सबसे मशहूर, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट जब होती है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर हम इस ऐसे केमिकल रिएक्शन में हीट ना दें तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल बताई है, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगी, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 5.11 इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट गिवन आउट होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेली लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बल्कि इंसान ने अपने इब्तदाई दौर में सबसे पहले इसी काम को सीखा कि उसने जब बर्निंग का अमल किया, उस बर्निंग के अमल को उसने मुख्तलिफ अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया। उसके ज़रिए वो अपने कमरों को, अपनी जगहों को रोशन करते थे, जानवरों को जो खूंखार जानवर थे जंगलों में उनको भगाते थे, फिर उसके बाद उस पर वो खाना पकाते थे और अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो काम है उसके ज़रिए करते थे। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड आया तो मॉडर्न पीरियड में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें सबसे पहला अमल बर्निंग है। अब बर्निंग अमल क्या करते हैं, कुकिंग द फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्निंग के अमल के जरिए हम अपने घरों को रोशन करते हैं, हीट अप कर लेते हैं। सर्दियों में आप देखते हैं कि हम कोल्ड को बर्न करते हैं या हीटर जलाते हैं, तो उस बर्निंग के अमल के दौरान जो है वो हम अपने कमरों को गर्म भी करते हैं और रोशन भी करते हैं, और इससे खाना भी घर में तैयार किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है वो फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, तो इससे हम अपनी मूविंग ऑफ व्हीकल गाड़ियां चलाते हैं। मूविंग ऑफ व्हीकल गाड़ी को चलाया जाता है इसके जरिए। उसके बाद तीसरा यूनिट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक का हमारे डेली लाइफ के अंदर जो इसका इस्तेमाल है उसके अंदर ये होता है कि आजकल आपको पता है कि पावर स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एक तो पता है कि हाइड्रो पावर होते हैं वो पानी के जरिए बिजली बना कर पानी को इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकल वे के तौर पर, लेकिन आजकल जो तरीक़ेकार है जिसमें थर्मल पावर स्टेशन है, इसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर स्टेशन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। थर्मल पावर तो हमें क्या करना है, चौथा इसका यूज वो इग्निशन ऑफ डायनामाइट, हम माइंस के लिए मादनियात के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ों को तोड़ा जाता है, वहां से कितनी मादनियात निकाली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे दो क्वेश्चन थे, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनको आपने इनको रिटन फॉर्म में लिख लेना है। अगर कोई आपको कोई मसला या प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।